हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के 5 सबसे खूबसूरत और विशाल मंदिर के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम उनके साइज, पॉपुलैरिटी और एनुअल रेवेन्यू पर भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षरधाम टेंपल, जिन्हें हम स्वामी नारायण अक्षरधाम टेंपल के नाम से भी जानते हैं और जिसका कंस्ट्रक्शन दिल्ली में 8 नवंबर 2000 में शुरू हुई थी और लगभग 5 सालों के कंस्ट्रक्शन के बाद 6 नवंबर 2005 में इस मंदिर को सभी के लिए ऑफिशियली खोल दिया गया था। अक्षरधाम, जहां अक्षर का मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल और धाम का मतलब एडोव और होम होता है, और माना जाता है कि लोगों की मौत के बाद उनकी आत्माओं का वास होता है इस अक्षरधाम मंदिर में। इस मंदिर को ज्योतिधर स्वामी नारायण जी, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1781 में हुआ था और लोग इन्हें भगवान का दर्जा देते थे, इस मंदिर को उनके मेमोरीज के तौर पर बनवाया गया था। और जहां आपको लगभग 10,000 साल पुराने भारत का बहुत ही खूबसूरत कल्चर, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी को देखने का मौका मिलेगा। इस मंदिर की लंबाई 109 मीटर और हाइट लगभग 43 मीटर है और लगभग 60 एकड़ एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। 17 दिसंबर 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रहेंसिव टेम्पल के नाम से इस मंदिर का नाम दर्ज है, जहां आपको दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ कुंड भी देखने को मिल जाएगा, जहां लगभग 108 सरीन और 2,870 स्टेप्स हैं। वहीं 11 फीट ऊंची बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति और भगवान शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, इन सभी की मूर्तियों को देखने का मौका मिल जाएगा। और हर हफ्ते लगभग 1,00,000 लोग अक्षरधाम में विजिट करने आते हैं, मतलब कि लगभग 52 लाख लोग हर साल अक्षरधाम में घूमने आते हैं। छतरपुर टेंपल, इस मंदिर को ऑफिशियली श्री अद्या कत्यायनी शक्तिपीठम नाम दिया गया है, जो कि साउथ दिल्ली में स्थगित है। और इस मंदिर की देवी कत्यायनी, जो कि नवा अवतार है माँ दुर्गा की, उनके नाम पर इस मंदिर को बनवाया गया है और हर साल नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन बाबा संत नागपाल द्वारा 1974 में शुरू किया गया था और इस मंदिर को पूरे मार्बल पत्थरों के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल साउथ इंडियन मंदिरों की तरह बनाया गया था। ये मंदिर लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, जहां आपको 20 से भी ज़्यादा मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जैसे राम मंदिर, शिव मंदिर, माँ कत्यायनी मंदिर, महिषासुर मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति जैसे बहुत सी खूबसूरत चीज़ें भी देखने को मिलेंगे। एक पुराने कहानी के अनुसार माँ दुर्गा ने एक ऋषि, जिसका नाम था कत्यायन ऋषि, उनके घर में एक बेटी के रूप में जन्म लिया था और तभी से दिल्ली के इस मंदिर को हम कत्यायनी देवी के मंदिर के नाम से जानते हैं। और हर साल नवरात्रि के 9 दिन की पूजा में पूरे देश भर से लगभग 1 करोड़ लोग इस मंदिर में आते हैं और लगभग 50 लाख डोनेशन इस मंदिर को हर साल डोनेट किया जाता है। श्री रंगनाथा स्वामी टेंपल, जिन्हें हम थिरुवरंगम टेंपल के नाम से भी जानते हैं, इस मंदिर को 1336 से लेकर 1565 के बीच में रंगनाथा, जो कि विष्णु भगवान का एक अवतार माना जाता है, उनके नाम पर बनवाया गया था। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरे ग्रेफाइट पत्थरों के द्वारा किया गया था और तमिलनाडु की सिटी थिरुचिरापाली सिटी में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर को द्राविडियन आर्किटेक्चर के स्टाइल में बनाया गया है। वेल दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की है, हिंदू धर्म के होने के बाद भी साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन टेंपल्स और रिचुअल्स में इतना डिफरेंस क्यों होता है?
अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर लगभग 155 एकड़ में फैला हुआ है, जहां 81 श्राइन्स, 21 टावर और 39 पवेलियंस हैं, और बहुत से खूबसूरत एंशियंट स्कल्पचर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण इसे दुनिया का लार्जेस्ट हिंदू वर्किंग टेंपल का नाम भी दिया गया है। हर साल दिसंबर से जनवरी के बीच में 21 दिनों का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिन्हें हम एकादशी कहते हैं। इस दिन पूरे देश भर में से लगभग 10 लाख लोग इस मंदिर में आते हैं पूजा करने। 2017 से 18 के बीच इन 21 दिनों के फेस्टिवल में लगभग रिकॉर्ड 1,23,00,000 डोनेशन डोनेट किया गया था लोगों के द्वारा। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेंपल, जिसे न्यू जर्सी में बनाया गया है, इसे आप हमारे भारत में स्थित अक्षरधाम टेंपल का एक दूसरा रूप भी कह सकते हैं, जो कि लगभग 160 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हुआ था और 2014 में जाकर इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इस मंदिर को यूएसए में बनाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि इस मंदिर को पूरे मार्बल से बनाया गया है, जो कि यूरोप में पाया जाता है। उन मार्बल्स को यूरोप से भारत ले जाया गया, जहां राजस्थान में 2000 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट ने इन मार्बल्स पर डिज़ाइंस बनाए, जिसे फिर भारत से यूएसए ले जाया गया और वहां पर इस बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 42 फीट और लंबाई 133 फीट है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म का सबसे बिगेस्ट मंदिर कहां पर है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत से लोग भारत के ही किसी विशाल मंदिर का नाम लोगे। पर शायद ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म का सबसे बिगेस्ट टेंपल भारत में नहीं है, भारत से लगभग 4,933 किलोमीटर दूर कंबोडिया कंट्री में स्थित है। इस मंदिर का नाम है अंकोर वाट, जो कि लगभग 402 एकड़ एरिया में फैला हुआ है, जिसे कमहर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं सदी के शुरुआत में यशोदापुर में बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर धीरे धीरे 12वीं सदी के अंत में आते आते इस मंदिर को बुद्धिस्ट मंदिर में बदल दिया गया था, इसलिए इसे हिंदू बुद्धिस्ट मंदिर भी कहा जाता है। अगर हम इस मंदिर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो ये मंदिर लगभग 402 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके चारों ओर लगभग 700 फुट गहरी खाई है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इस मंदिर का एंट्रेंस, जो कि लगभग 1000 फुट चौड़ा है। इस मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर और इनके टावर्स की ऊंचाई 54 मीटर है, और ये मंदिर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। हर साल लगभग 26 लाख लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। अकेले 2019 में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा डोनेशन डोनेट किया गया था लोगों के द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को छोड़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।